फोटोकेमिस्ट्री में इससे के पहले चार एपिसोड्स में हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस, थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस, फिर उसके बाद में लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फिर लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, जेवलॉन्स की डायग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ जेवलॉन्स की डायग्राम और इसके अलावा फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस के बारे में पढ़ा था। इस एपिसोड 5 में हम जानेंगे क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि। इसको समझने का प्रयास करें, क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि है क्या। आपको याद हो जब मैं स्टॉक आइंस्टीन लॉ पढ़ा रहा था, इसको लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं, उस समय यह कहा था कि किसी भी रेडिएशंस के एक फोटोन या एक क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है। फिर सुने ध्यान से कि एक फोटोन या एक क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, फिर जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये हमने कहा था ये प्राइमरी प्रोसेस में होता है। तो किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में, प्राइमरी प्रोसेस में, एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा और फोटोन के एब्जॉर्प्शन के बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो उस समय यदि हम देखें तो क्वांटम यील्ड एक या वन होगी, जिसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। तो इससे हमारे क्या समझ में आया, क्वांटम यील्ड क्या है? क्वांटम यील्ड है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट अपॉन एब्जॉर्ब्ड क्वांटिटी, क्वांटा। कि एक दिए गए निश्चित समय में कितने फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ है और उससे कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, ये क्वांटम यील्ड कहलाती है या क्वांटम लब्धि कहलाती है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है कि कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन वो हमेशा केवल प्राइमरी प्रोसेस में ही कंप्लीट हो जाए। प्राइमरी प्रोसेस के बाद में बहुत सारे सेकेंडरी प्रोसेसेस भी होते हैं, द्वितीयक प्रक्रम जिन्हें कहते हैं। प्राथमिक प्रक्रम के साथ साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन में कुछ द्वितीयक प्रक्रम या सेकेंडरी प्रोसेसेस भी होते हैं। तो उन सेकेंडरी प्रोसेसेस के कारण से क्वांटम यील्ड की वैल्यू या तो एक से कम हो जाती है या एक से ज़्यादा हो जाती है। हमें वही समझना है। सामान्यतः जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो 0 से लेकर 10^5 और 10^6 तक हो जाती है। अब डिफरेंस देखें, हम क्या करें कि स्टॉक आइंस्टीन नियम के अनुसार क्वांटम यील्ड एक होनी चाहिए थी, यानी कि एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होकर एक्साइटेड प्रोडक्ट स्टेट में जाकर और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि क्वांटम यील्ड 0 से लेकर 10^5 और 10^6 तक ये वैरी कर जाती है। तो हमें पहले क्वांटम यील्ड को समझना है, फिर हम समझेंगे क्वांटम यील्ड, हाई क्वांटम यील्ड क्या होती है और लो क्वांटम यील्ड क्या होती है, हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है और लो क्वांटम यील्ड के क्या कारण है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो हाई क्वांटम यील्ड की कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें हाई क्वांटम यील्ड मिलती है और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें लो क्वांटम यील्ड मिलती है। तो पहले हम समझे क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि। ये जो क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि है, क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर अभी हमने क्या बताया, ये क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा एब्जॉर्ब क्वांटा या फिर फोटोन। कि किसी दिए गए समय में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसमें कितने क्वांटा का या फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और अपॉन एब्जॉर्ब आइंस्टीन। इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको हम फाइव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन एब्जॉर्ब आइंस्टीन।
इनसे हम किसी से भी, मगर कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्टिव मॉलिक्यूल एक दिए गए समय में, एक निश्चित समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, और उस समय कितने फोटोन या कितने क्वांटा या आइंस्टीन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और उससे हम क्या निकाल लेते हैं, क्वांटम यील्ड निकाल लेते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि जरूरी नहीं है फोटो जो केमिकल लॉ था जिसको हम स्टॉक आइंस्टीन लॉ भी कह रहे थे या फोटो केमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी था, उसके अनुसार तो कितनी होनी चाहिए थी क्वांटम यील्ड, एक। वो कब होनी चाहिए थी, खबर केवल जो फोटो केमिकल रिएक्शन है वो केवल प्राइमरी प्रोसेस में हो जाए। देखिए यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि फोटो केमिकल रिएक्शन बहुत कम ऐसी हैं जो प्राइमरी प्रोसेस में होती हैं, अधिकांश रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें कि सेकेंडरी प्रोसेस भी होता है। तो हम ये समझेंगे कि सेकेंडरी प्रोसेस में फिर हमने कहा कि ये जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर 10^10 या 20^5 या 6 तक हो जाती है। तो हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, यानी कि जो एक से बहुत ज़्यादा मिल रही है उसके क्या कारण है, और लो क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, उसका हम समझें। तो पहले हम देखते हैं कॉजेज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड। कॉजेज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड, उच्च क्वांटम लब्धि के क्या कारण है, इसको समझें। प्राइमरी प्रोसेस में तो निश्चित है कि एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ कब, जब एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर दिया, ठीक है। लेकिन प्राइमरी प्रोसेस के बाद में सेकेंडरी प्रोसेसेस भी होते हैं। तो यदि पहला मैं कहूं कि यदि वो रिएक्शन चेन रिएक्शन हो तो भी हाई क्वांटम यील्ड मिलेगी। चेन रिएक्शन का मतलब समझो, जैसे मानो एक मॉलिक्यूल ने क्वांटा या फोटोन का या आइंस्टाइन का एब्जॉर्प्शन किया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वो उत्तेजित अवस्था में चला गया। अब ये मॉलिक्यूल चेन रिएक्शन करेगा, ये अगले मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, वो उससे अगले वाले को देगा। ऐसी ऐसी रिएक्शंस जो एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, जो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं, जो चेन रिएक्शंस होती हैं, एब्जॉर्ब तो हुआ एक ही क्वांटा लेकिन वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ हमें विशेष बात ध्यान रखने की है कि प्राइमरी प्रोसेस के लिए तो यूवी अथवा विजिबल लेजर की रेडिएशंस की आवश्यकता है, यानी कि वो तो लाइट में होगी, वो तो प्रकाश में होगी। लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस के लिए किसी प्रकार के हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो अंधेरे में भी हो सकती है। प्रकाश है तो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस तो अंधेरे में भी हो सकता है, जो जिससे कि यील्ड कम अथवा ज़्यादा हो रही है। तो ये पहला रिएक्शन हमने क्या कहा, यदि चेन रिएक्शन होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तब भी क्वांटम यील्ड एक से अधिक हो जाएगी। और हमने अधिकांशतः देखा है जो चेन रिएक्शन होती है उनमें क्वांटम यील्ड 10^5 से 10^6 तक या 10^3 10^2 इतनी तक हो जाती है। दूसरा क्या हम कहें कि ये जो एब्जॉर्ब जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल गिव्स एनर्जी एनर्जी टू अनदर मॉलिक्यूल अनदर मॉलिक्यूल। अब बात समझो, एक मॉलिक्यूल ने फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, इससे पहले कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता अपनी एनर्जी दूसरे को देगा, और वो दूसरा वाला भी कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। यदि कोई मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी, उसने फोटोकेमिकल रिएक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिली, उसमें से कुछ तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, और रेस्ट को क्या किया उसने, उसको वो दूसरे मॉलिक्यूल को दे गया। तो यदि ऐसी स्थिति भी होगी कि कोई एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा वो प्रोडक्ट दूसरे मॉलिक्यूल को दे जाए, तभी वो किसमें क्वांटम यील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तीसरा क्या कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल गैस डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेट। अब इसको समझो कि मॉलिक्यूल एक है, उसने एक फोटोन या एक क्वांटा का एब्जॉर्प्शन किया, और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो डिसइंटीग्रेट हो गया या डिसोसिएट हो गया या हम कहें डिकम्पोज हो गया, तो वो क्या करेगा, वो एक से अधिक मॉलिक्यूल बना देगा, और वो सभी मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब भी क्वांटम यील्ड की वैल्यू एक से अधिक हो जाती है। तो ये वो सब कारण हैं जिनसे क्वांटम यील्ड की वैल्यू एक से अधिक होती है। अब देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे कि क्वांटम यील्ड एक से कम हो जाती है। कॉजेज ऑफ लो क्वांटम यील्ड, कम क्वांटम लब्धि के कारण, इसको समझें। पहला कारण तो ये कि मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल गिव्स एनर्जी एनर्जी टू नॉन रिएक्टेड या अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल, इसको हम इनर्ट मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इनर्ट मॉलिक्यूल। अणु अपनी ऊर्जा किसको दे दे, इनर्ट मॉलिक्यूल को दे दे, अक्रिय अणु को दे दे, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्वांटम एक से कम हो जाएगी। दूसरा जो कि हमने पहले भी सीखा था, या तो हम क्या फ्लोरोसेंस या फिर फास्फोरेसेंस, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करे क्वांटा को या स्टीम को, और वो बिना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए उस एनर्जी को इसमें कन्वर्ट हो जाए, वो फ्लोरोसेंस या फास्फोरेसेंस के रूप में निकाल दे। तीसरा आईएससी या फिर आईसी, इसको भी हम पहले सीख चुके हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या फिर इंटरनल क्रॉसिंग, इससे भी क्या करें वो थर्मल इमिशंस कर दें, थर्मल इमिशंस, और इससे भी क्वांटम यील्ड एक से कम हो जाती है। तो ये वो कारण है कि जिनसे कि क्वांटम यील्ड एक से कम हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं, और ये सब कब होगा, ये सब होगा सेकेंडरी प्रोसेस में, प्राइमरी प्रोसेस में तो एक के अब्जॉर्प्शन से एक ही मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, वहां तक क्वांटम यील्ड एक होगी, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस हो जाने के कारण से क्वांटम यील्ड एक से अधिक अथवा एक से कम हो जाती है। और हम ये देख लेते हैं ऐसे कुछ रिएक्शन जिनमें क्वांटम यील्ड एक से ज्यादा होती है, हाई क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शन उनके एग्जाम्पल, और लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हाई क्वांटम यील्ड, क्वांटम एयर, उच्च क्वांटम लब्धि के उदाहरण। इसमें देखें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएं क्लोरीन से, तो क्या बनेगा CoCl2 पॉजिटिव, और इसके लिए जो क्वांटम यील्ड फाइव की वैल्यू है वो 10^5, ये क्वांटम यील्ड है, ठीक है। इसी तरह से H2+Cl2 और इसकी रिएक्शन 2HCl, इसकी 5 की वैल्यू 10^4 से 10^6 तक होती है। इसी प्रकार से और देखें जैसे H2O2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2H2O+O2, और इसके लिए क्वांटम यील्ड की वैल्यू लगभग 7 के आसपास है। ये बहुत हाई क्वांटम यील्ड की रिएक्शंस है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं लो क्वांटम यील्ड के, आप इसको नोट कर ले सर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं लो क्वांटम यील्ड, इसमें देखिए H2+Br2 और 2HBr और फाइव की वैल्यू 0.01 होती है। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम कितना होगा 0 और अधिकतम कितना होगा 10^5 से 10^6 तक, तो इसके हैं जो फाइव की वैल्यू है 0.01 है। इसी तरह से 2NH3 ये कन्वर्ट किसमें होगा N2+3H2 में, और इसके लिए जो फाइव की वैल्यू है 0.2 है, 0.2। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम है। कुछ ऐसी रिएक्शंस में जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू एक होती है, ऐसा नहीं है कि एक नहीं होती। कुछ वो एग्जांपल्स देख लेते हैं, व्हेन फाइव इज अप्रोक्सीमेटली 1, इसके एग्जाम्पल देखें तो उसका जैसे 2HI ये कन्वर्ट हो रहा है H2+I2 में, 2HI H2+I2 कन्वर्ट हो रहा है, इसकी फाइव की वैल्यू लगभग कितनी है, इसके लिए 1 है, लगभग फाइव वैल्यू 1 है। इसी तरह से हम लिखे Fe3+2Fe3+I2 ये HNU, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2Fe2+2I-, यहां लिखते 2+ और ये 3+, हाँ अब ठीक है, इसके लिए फाइव की वैल्यू 1 है, फाइव की वैल्यू 1। एक और रिएक्शन है जिनमें कि फाइव की वैल्यू 1 होती है। तो अब आप बात को समझ गए होंगे क्वांटम यील्ड क्या है। क्वांटम यील्ड प्राइमरी प्रोसेस के लिए 1 होती है, सेकेंडरी प्रोसेस होने पर ये क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से अधिक अथवा 1 से कम हो जाएगी, यह बात भी समझ में आ रही है। फिर हमने देखा कि हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, लो क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, और फिर हमने देखा उसके बाद कुछ हाई क्वांटम यील्ड की रिएक्शन, कुछ लो क्वांटम यील्ड की रिएक्शन, और कुछ ऐसी जिनमें कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 होती है। धन्यवाद।